मैं 1991 से भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडिशनल उम्मीदवार हूँ। ढेंकनाल लोकसभा क्षेत्र से 1991 का लोकसभा चुनाव में लड़ा था, 96 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, 98 में जब गठबंधन हो गया तब मेरे को टिकट उस समय नहीं मिला था। मेरा सीट ढेंकनाल वो बीजेडी के कोटे में चला गया था। बाद में पार्टी ने मेरे को राज्यसभा में एडजस्ट किया था और राज्यसभा में मैं पहले एक 1.5-2 साल का संक्षिप्त कार्यकाल में रहा और संक्षिप्त कार्यकाल में इतना हाउस के अंदर इतना ठीक ठाक काम किया था, इसके कारण मेरे को फिर दोबारा फुल टर्म के लिए यानी कि 6 साल के लिए मेरे को काम करने के लिए मौका मिला था। मैं राज्यसभा का मेंबर था और अपने चुनाव क्षेत्र में जैसे माने हम लोग विपक्ष में, स्टेट में भी विपक्ष में, सेंटर में भी विपक्ष में, तो एक लोकल इशू को लेके आंदोलन करते हैं। क्योंकि मेरा जो क्षेत्र है ढेंकनाल डिस्ट्रिक्ट आता है उसमें पूरा, और अंगूल डिस्ट्रिक्ट आता है उसमें कोल माइंस और आपके पब्लिक सेक्टर जैसे एनटीपीसी है, नालको है, और आपके प्राइवेट कंपनियां इन दिनों बहुत आ रहा है। तो वहाँ के लोगों का जो विस्थापन का मुद्दा है, गांव वालों को हटा के सरकार जमीन देता है फैक्ट्रियों को, तो ये मुद्दा हम लोग उठाते हैं। किसानों को जो इरिगेशन प्रोजेक्ट उस तरफ हुआ उसका लाभ किसानों को मिलना चाहिए था, लेकिन किसानों को वो न देते हुए वो इरिगेशन प्रोजेक्ट का, मान लीजिए कोई बैरेज है, कोई डैम है, वहाँ से पानी फैक्ट्री को, इंडस्ट्री को देते हैं। तो लोकल लोगों का मुद्दा उठाना, ये उसमें हमको भारी सफलता मिला है। हम जब भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि से आज हम लोगों के अंदर जाते हैं, और ये कहा जाता है कि देश भर में मोदी मॉडल, मोदी जी के नाम पे लोगों के अंदर एक विकास जरूर होगा, इस प्रकार का भावना है। तो गुजरात मॉडल जो कहते हैं विकास का, डेवलपमेंट का, हम उस लाइन पे चलेंगे और मोदी जी का सरकार केंद्र में जो बनने जा रहा है उस दृष्टि से आप विचार करेंगे तो हम अवश्य हमारे क्षेत्र का जो भी आपका, आप कह रहे हैं कि एजुकेशन का मामला, या आप जो कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण का मामला, आप माने लगातार निरंतर पावर सप्लाई का मामला, रोड कनेक्टिविटी का मामला, ये सारा इजीली हो जाएगा। मैं पहले 1991 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, और नॉर्मली मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ता हूँ, और तब मेरे को 32, मेरा आयु था 32 साल का। अब तो मेरे को 54-55 साल हो गया। लगातार ये इन दिनों सालों के अंदर मैं लोगों के अंदर इतना रहता हूँ, आई लिव विद इन द पीपल, लोगों के अंदर मैं रहता हूँ। तो मेरे बारे में कोई, मेरे चुनाव क्षेत्र के हमारे मतदाताओं के अंदर मेरे बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैंने आपके इस टीवी को धन्यवाद, इस चैनल को धन्यवाद कि आप, हमारा विचार आपके माध्यम से लोगों के अंदर जाता है।